दोस्तों, यूनिक आवाज प्रस्तुत करता है भारत के संविधान में उल्लिखित कितने अनुच्छेद, कितने भाग व कितनी अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में बट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो चलिए आज हम भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 24 भाग हैं, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकियों विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से दिए गए हैं। तो दोस्तों, यह संविधान विषयक जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक आवाज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और वेट कर सकते हैं आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जिस पर हम ढेर सारी संविधान विषयक जानकारियों को देंगे जो परीक्षोपयोगी होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।